Good morning, students. I am your English teacher Divya Srivastava, and today in English literature we are going to start a new fresh chapter, chapter 11, and the name of this chapter is The Clever Farmer. ठीक है, आज हम एक चतुर एक चालाक किसान की कहानी पढ़ने वाले हैं. So let's get started. Once upon a time, there lived a farmer named Peter. एक बार की बात है, एक किसान था. फार्मर मतलब क्या होता है? किसान. एक किसान था जिसका नाम क्या था? पीटर था. Who worked far from his home in the field of a rich baron. वो क्या करता था? अपने घर से बहुत दूर में एक खेत था, एक मैदान था. किसका था? एक अमीर नवाब का. बैरन मतलब होते हैं जिनकी जमीनें होती हैं, जमींदार लोग जो होते हैं, जिनकी जमीनें पड़ी होती हैं, नवाब लोग जो होते हैं. ठीक है, एक अमीर नवाब के उसका एक एक, एक ओनर था, मालिक था जमीन का. उसके खेत में वो काम करता था, घर से बहुत दूर. ठीक है, एक बार की बात है, एक किसान था पीटर, जो कि अपने घर से बहुत दूर एक अमीर मालिक के खेत में काम करता था. बिहाइंड द फील्ड्स एंड इन द सराउंडिंग एरियाज देयर वर हाई माउंटेन्स वेयर गैंग्स ऑफ बैंडिट हैड लिव्ड एंड रॉब्ड द पीपल फॉर मेनी ईयर्स. खेतों के पीछे आसपास के जो एरिया थे वहां पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जहां पे पहले बैंडिट मतलब क्या होता है? डाकू लोग जो होते हैं. ठीक है, जो डाकू लोग होते हैं, जो चोर लोग होते हैं, ठीक है, उनका पूरा एक गैंग रहता था और वो बहुत सालों तक लोगों को उन्होंने वहां पे लूटा था. रॉब मतलब लूटना. बहुत सालों तक लोगों को उन्होंने वहां पे लूटा था. उस पहाड़ में बहुत सारे डाकू रहते थे. ठीक है, पहले की बात है. द एम्परर ऑफ दैट किंगडम हैड सेंट हिज सोल्जर्स टू फाइंड एंड किल द थीव्स एंड नाउ द प्लेस वॉज सेफ एंड क्वाइट. वहां का जो उस राज्य का एम्परर था, जो राजा था, वहां उसने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ जाके वहां जो चोर हैं, जो बैंडिट हैं, उनको ढूंढो. ठीक है, डाकुओं को ढूंढो और उनको मार दो. अब वो जो जगह थी जहां पे वो पीटर काम करता था, वो प्लेस कैसा था? सेफ, सुरक्षित और शांत था. एज द फार्मर्स डग द फील्ड दे समटाइम्स फाउंड ओल्ड वेपन्स एंड यूटेंसिल्स दैट हैड बीन यूज्ड इन द पास्ट. जैसे जैसे वो मतलब जो फार्मर था पीटर, वो उन खेतों को, उन फील्ड को खोदता था, ठीक है, तो उसको कभी कभी क्या मिलते थे? पुराने औजार. वेपन्स क्या होते हैं? पुराने जो औजार होते हैं, हथियार होते हैं, अस्त्र शस्त्र जिनको पहले बैटल में यूज किया जाता था, उनको वो मिल जाते थे. और बर्तन, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन मिल जाते थे जो कि पहले के समय में यूज होते थे. इट सो हैपेंड दैट व्हाइल पीटर वॉज डिगिंग अप द रूट्स ऑन एन ओल्ड ट्री ही फाउंड अ बैग फुल ऑफ गोल्ड क्वाइंस. एक बार ऐसा हुआ कि जो पीटर था वो किसान एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के रूट्स में नीचे खोद रहा था, ठीक है, डिक कर रहा था, और उसने क्या पाया? एक सोने के सिक्कों का पूरा भरा हुआ एक बैग पाया, गोल्ड क्वाइंस का एक बैग पाया. पीटर हैड नेवर सीन गोल्ड क्वाइंस बिफोर. ही वॉज सो एक्साइटेड एंड एस्टोनिस्ड एट द साइट ऑफ ऑल दैट गोल्ड दैट ही फॉरगॉट द टाइम. पीटर ने इससे पहले कभी भी सोने के सिक्के नहीं देखे थे, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था पीटर और बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था. एस्टोनिस्ड मतलब होता है सरप्राइज्ड हो जाना, ठीक है, उस सोने को देख के बिल्कुल वो सरप्राइज्ड और एस्टोनिस्ड हो गया था. फिर क्या हुआ? वो समय भूल गया. क्या भूल गया? दैट ही फॉरगॉट द टाइम. वो समय का उसने ख्याल रखना भूल गया. समय के बारे कितना समय हो रहा है, वो टाइमिंग भूल गया वो. इट वॉज ऑलरेडी डार्क वेन ही सडनली रियलाइज दैट ही शुड गो होम. अचानक से उसको सडन से क्या रियलाइज हुआ? इट वॉज ऑलरेडी डार्क. पहले से क्या हो गया था? अंधेरा हो गया था. और उसको फिर अचानक से क्या रियलाइज हुआ? कि अब उसे घर जाना चाहिए. ऑन हिज वे होम ही थॉट अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट हिज सडन वेल्थ कुड कॉज फॉर हिम. अब रास्ते में जाते हुए उसने उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा जो कि उस वेल्थ, उस सोने के सिक्कों जो उसको मिली थी, जो खजाना मिला था, उसके द्वारा जो समस्याएं और आने वाली थी उसके बारे में उसने सोचा. ठीक है, इट वॉज द रूल ऑफ द लैंड दैट वॉट एवर वॉज फाउंड ऑन बैरन्स लैंड. ठीक है, उस समय क्या ये रूल था कि जो भी बैरन्स यानी कि जो भी ओनर के उसमें, ओनर की जमीन में जो कुछ भी पाएगा वो उसका हो जाएगा. इट वॉज द रूल ऑफ द लैंड. वो जमीन का रूल था कि वॉट एवर वॉज फाउंड ऑन बैरन्स लैंड, जो भी उस लैंड बैरन के लैंड में वो जो भी कोई कुछ पाएगा डिक करते समय या कुछ भी, ठीक है,
वुड बिलोंग टू हिम, वो उसका हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ द पीटर वुड हैव टू हैंड ओवर द गोल्ड टू द बैरन. तो अकॉर्डिंग टू इस नियम के अनुसार पीटर को क्या करना था, वो जितना भी उसको गोल्ड मिला था वो किसको हैंड ओवर करना था, उस मालिक को, उस लैंड का जो बैरन था, नवाब था, उसको पूरा, उसको मालिक को पूरा वो फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स उसको देना था. पीटर वॉज पुअर एंड थॉट ऑफ पार्टिंग दीज विद दीज रिचेस मेड हिम सैड. पीटर काफी गरीब था और उसने उन अमीरों के साथ उसको शेयर करने में, शेयर किया उसको देने में, मतलब उसको बांटने में, उसको देने में, उसको बहुत ही उन अमीरों के साथ उसको साझा करने में उसको बहुत दुख हो रहा था. ठीक है, कि वो तो ऑलरेडी इतने अमीर हैं, उनको मुझे इतना सारा सोना भी देना पड़ा, तो ये सोचिए काफी वो दुखी था. ही फेल्ट दैट इट वॉज नॉट फेयर दैट ही शुड हैंड ओवर द ट्रेजर सिंस द बैरन ऑलरेडी हैड अ प्लेंटी ऑफ मनी एंड गोल्ड. उसको ऐसा लगा कि ये सही नहीं है कि उसे ये पूरा खजाना अपने बैरन को देना चाहिए, अपने मालिक को देना चाहिए. क्यों? क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी बहुत ही सारा पैसा और गोल्ड था. ऑल्दो ही रियलाइज्ड द रिस्क ही वुड बी टेकिंग, पीटर डिसाइडेड टू कीप द गोल्ड कॉइन्स फॉर हिमसेल्फ. हालांकि उसने अपने जो रिस्क लेने वो जा रहा था उसके बारे में उसने काफी सोचा और उसने ये डिसाइड किया कि वो अब इन गोल्ड कॉइन्स को, इस बैग को अपने पास ही रखेगा, किसी को नहीं देगा. He would never tell anyone about this his good luck. उसने अपने इस अच्छे से भाग के बारे में किसी को नहीं बताया, वो किसी को नहीं बताएगा, उसने ऐसा डिसाइड किया. His wife, however, had the habit of talking too much and could not keep secret. तभी उसको क्या ध्यान आया कि उसकी पत्नी भी है और उसको बहुत ही ज्यादा बात करने की आदत है. ठीक है, हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच, और वो सीक्रेट्स नहीं रख पाती, वो राज को जो राज होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, उनको वो कीप नहीं कर पाती, वो संभाल के रख पाती, वो कहीं ना कहीं उन सीक्रेट्स को बोल देती है. बाय इफ चांस शी मेंशन्ड इट टू समवन ही वुड एंड अप इन जेल. गलती से भी अगर उसकी पत्नी ने किसी से कह दिया, मेंशन कर दिया उस गुड लक के बारे में, उस बैग के बारे में, तो वो क्या करेगा, वो जेल जाना पड़ेगा उसको. ही थॉट अबाउट द प्रॉब्लम ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल ही फाउंड अ सॉल्यूशन. उसने बार बार उस समस्या के बारे में सोचा, बहुत सोचा, और उसको तब तक उसने सोचा जब तक उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल गया. ठीक है, बिफोर ही रीच्ड होम ही लेफ्ट द बैग फुल ऑफ गोल्ड इन बुश नेक्स्ट टू सम पाइन ट्रीज. घर जाने से पहले उसने क्या किया, वो जो गोल्ड क्वाइन का बैग था उसने उसको एक घली झाड़ियां, बुश मतलब झाड़ियां, झाड़ियों के बगल में, नेक्स्ट टू सम पाइन ट्रीज, चीड़ के पेड़ होते हैं, पाइन ट्रीज को बोलते हैं, पेड़ों के बगल में उसने झाड़ियां थी वहां पे उसने उसको छोड़ दिया, रख दिया. द नेक्स्ट डे इंस्टीड ऑफ गोइंग टू वर्क ही वेंट टू द विलेज एंड बॉट अ फ्यू फिश, सम डोनट्स एंड अ रैबिट. अगले दिन काम पे जाने के बजाय, इंस्टीड ऑफ बजाय, ठीक है, अगले दिन काम पे जाने के बजाय वो कहां गया, गांव गया, और उसने क्या खरीदा, कुछ मछलियां खरीदी, कुछ डोनट खरीदे और एक रैबिट. तो उसने क्या खरीदा, उसने कुछ मछलियां खरीदी, डोनट. डोनट क्या होता है, डोनट एक तरह की ब्रेड, एक तरह की चॉकलेट कह दीजिए या एक ब्रेड कह दीजिए, जो गोल शेप में होती है जिसमें बीच में होल होता है. ठीक है, तो उसने डोनट खरीदा और उसने खरगोश खरीदा. इन द आफ्टरनून ही वेंट होम एंड कॉल्ड हिज वाइफ, गेट योर बास्केट एंड कम विथ मी. घर जाके दोपहर में अपनी वाइफ से क्या बुलाता है, क्या बोलता है, अपनी बास्केट उठाओ, अपनी बास्केट लो और मेरे साथ चलो. यस्टरडे इट रेन्ड एंड द वुड्स आर फुल ऑफ मशरूम्स, वी मस्ट गेट टू देम बिफोर समवन एल्स सी देम. कल बहुत बारिश हुई थी और जो जंगल है वो बिल्कुल मशरूम से भरे हुए हैं, जल्दी से हमें चल के उनको ले लेना चाहिए, पा लेना चाहिए, इससे पहले कोई और वहां पहुंच जाए, कोई और उनको देख ले. हिज वाइफ लव्ड मशरूम एंड हियरिंग दिस ही पिक्ड अप हर बास्केट एंड फॉलोड हर हस्बैंड. उसको, उसकी वाइफ को मशरूम बहुत पसंद थे, तो ये सुन के उसने जल्दी से अपनी बास्केट उठाई और अपने पति के पीछे पीछे, अपने हस्बैंड के पीछे पीछे चल पड़ी. When they got to the woods, the Peter ran to his wife shouting, look, we have found a donut tree. जैसे ही वो जंगल पहुंचे, पीटर अपनी वाइफ के साथ दौड़ा, ठीक है, तो वाइफ की तरफ दौड़ा चिल्लाते हुए, देखो और हमें यहाँ पे डोनट ट्री मिला है. He showed her branches on the which he had hung up donut earlier. उसने उस ब्रांच को, उस शाखा को अपनी पत्नी को दिखाया जिसमें उसने डोनट पहले से ही
लगा रखे थे वहां पे, उसने उसको लटका रखा था डोनट, तो उसने क्या बोल दिया कि डोनट ट्री है, हमें इसको यहाँ डोनट ट्री मिल गए। द वाइफ वॉज एक्साइटेड बस बट शी वॉज इवन मोर पजल्ड व्हेन इंस्टीड ऑफ मशरूम शी फाउंड नाइस फ्रेश फिश इन द ग्रास। उसकी वाइफ जो थी वो काफी एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, बहुत ज्यादा वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मशरूम के बजाय इंस्टीड ऑफ मशरूम मशरूम की बजाय उसको एक अच्छी ताजी घास में एक मछली मिल गई। पीटर लाव्ड हैप्पली, पीटर खुशी से हंस पड़ा। ही सेड, उसने क्या बोला, टुडे इज अवर लकी डे, आज हमारा बहुत ही लकी डे है। माई ग्रैंड फादर ऑलवेज सेड दैट, क्या कहते थे उसके पापा, उसने क्या बोला कि मेरे बाबा जी हमेशा ही कहते थे, क्या कहते थे कि everyone has one lucky day in his life, today seems to be ours। मेरे बाबा जी कह रहे थे कि हर किसी के दिन में एक उसका लकी दिन आता है और आज हमारा लकी दिन है। We might even find a treasure, हो सकता हो हमें जल्दी एक खजाना भी मिल जाए। He pretended to be very very happy at their good fortune, वो अपनी अच्छी सी किस्मत पे बहुत ज्यादा खुश होने का दिखावा करने लगा, pretend मतलब दिखावा करने लगा। Not only was Peter's wife in the habit of gossiping, she was also a fool. ज्यादा बातचीत करने की तो आदत उसको थी ही थी, इसके अलावा क्या थी, वो बहुत बड़ी बेवकूफ भी थी। She believed her husband and repeated while looking around, this is our lucky day. उसने वो क्योंकि बेवकूफ भी थी तो इसलिए उसने अपने पति की बातों का यकीन कर लिया और बार बार उसने एक ही बात बोली चारों तरफ देखते हुए कि दिस इज अवर लकी डे, आज हमारा बहुत ही अच्छा दिन है, आज हमारा लकी डे। द बास्केट ऑफ द वुमेन वॉज फुल ऑफ फिश बाय नाउ, अब जो उसकी बास्केट थी औरत की वो मछलियों से बिल्कुल भर गई थी। द पीटर एंड हिज वाइफ रीच द बैंक्स ऑफ द रिवर, ही ran ahead of her, looked behind a thick bush and said, yesterday I laid out my net and I want to check whether I have caught any fish. पीटर और उसकी वाइफ नदी के किनारे पहुंचे, वहां पे वो अपनी पत्नी के आगे भागा, ठीक है आगे चला वो दौड़ा और उसने एक घने से झाड़ियों की तरफ उसने पीछे देखा और उसने क्या बोला कि आज कल मैंने यहाँ पे एक नेट मतलब क्या होता है जो जाल होता है, मैंने यहाँ पे एक जाल रखा था, एक जाल बिछाया था यहाँ पे और आई वॉन्ट टू चेक, मुझे ये चेक करना है कि इसमें कोई मछली फंसी है कि नहीं फंसी है। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ देर बाद क्या होता है, हिज वाइफ हर्ड हिम शाउट, उसकी पत्नी उसको चिल्लाते हुए सुनती है, क्या सुनती है, रन भागो जल्दी आओ एंड सी वॉट आई हैव कॉट, जल्दी आओ और देखो मैंने यहाँ पे क्या पाया है। वॉट एक्स्ट्रॉर्डनरी लक, आई हैव फिश्ड अ रैबिट, देखो मैंने यहाँ क्या पाया है, आज हमारा कितना अच्छा कितना अमेजिंग सा लक है और मैंने यहाँ पे क्या पकड़ लिया है, एक खरगोश पकड़ लिया है, मैंने एक खरगोश को यहाँ पे फांस लिया है उस नेट में। They were walking back home and Peter's wife kept talking excitedly about the great dinner with donuts, fish and the rabbit. अब वो क्या कर रहे थे, घर की तरफ वापस जा रहे थे और पीटर की वाइफ लगातार बस एक्साइटमेंट के साथ यही सोच रही थी कि रात के डिनर के बारे में कि आज वो डोनट फिश और रैबिट डिनर में लेगी और उसी के बारे में वो सोचती हुई बातें करती हुई घर जा रही थी। पीटर सेड टू हिज वाइफ, लेट्स गो बाय द वुड अगेन, चलो जंगल के रास्ते से चलते हैं। पीटर ने अपनी वाइफ से क्या बोला, चलो जंगल के रास्ते से चलते हैं, वी कुड फाइंड अदर डोनट्स, हो सकता हो हमें वहां पे कुछ और डोनट्स मिल जाएं। ही टुक हर टू द स्पॉट वेयर ही हैड हिडन द बैक ऑफ अ गोल्ड कॉइन्स, अब उसको वो उस जगह पे ले गया, उस स्पॉट पे ले गया जहां पे उसने गोल्ड कॉइन्स का बैग को छिपा रखा था। ही लुक्ड अराउंड एंड प्रिटेंडेड टू फाइंड समथिंग, उसने यहां वहां देखा और चारों तरफ देखा और उसने ऐसा दिखावा किया कि जैसे कुछ वो ढूंढ रहा है। लुक हियर, यहां देखो, ही कॉल्ड हिज वाइफ, देयर इज अ स्ट्रेंज बैग हियर इन द बुश एंड गुडनेस ग्रेसियस मी, यहां देखो अपने उसने वाइफ को बुलाया, यहां पे कोई बहुत ही अजीब सा बैग पड़ा हुआ है झाड़ियों में और आज भगवान मुझ पर बहुत मेहरबान है, इट इज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ये तो बिल्कुल सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। His wife rushed to see what her husband had found. उसकी वाइफ उसकी तरफ देखने के लिए भागी कि उसके हस्बैंड को क्या मिल गया। I think this forest is enchanted. We found donuts on the tree. उसने क्या बोला उसकी वाइफ ने, मुझे लगता है ये जो जंगल है
ठीक है। इंचेंटेड मतलब क्या होता है, जादुई है बिल्कुल, इसमें कोई ना कोई चीजें मिल रही हैं, बहुत ही जादू जादुई जंगल है ठीक है। हमें यहाँ पे डोनट्स पेड़ों पे मिल गए, एंड देन वी फाउंड फ्रेश फिश इन द ग्रास, और हमें यहाँ पे ग्रास में जमीन में क्या मिल गई, मछलियां मिल गई, और हमें यहां तक कि हमने पानी में से रैबिट को भी फिश्ड आउट कर लिया, निकाल लिया। एंड नाउ लुक वी हैव फाउंड अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और हमें क्या मिल गया, अब एक सोने के सिक्कों का बैग भी मिल गया। पीटर सेड एक्साइटेडली, उसने काफी उत्तेजना के साथ इस बात को बोला। द पुअर वुमेन वॉज सो एक्साइटेड दैट हर आईज फिल्ड विद टीयर्स, शी वॉज सो एस्टोनिस्ड दैट शी कुड नॉट से अनदर वर्ड एंड केप्ट टचिंग द शाइनी कॉइन्स। जो गरीब औरत थी पीटर की वाइफ, वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई, इतना खुश हो गई देख के कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, और वो इतना ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई, एस्टोनिस्ड मतलब होता है इतना ज्यादा आश्चर्यचकित रह गई कि वो कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोल सकी, और बस वो उन गोल्ड कॉइन्स को, शाइनी कॉइन्स को टच करती रह गई, उनको छूती रह गई। एट होम, घर पे, आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, नाइदर ऑफ टू कुड स्लीप, दोनों लोग सो ही नहीं सके, थिंकिंग ऑफ ऑल द इवेंट द डे, दिन भर की इवेंट्स के बारे में बस सोचते रह गए, इसलिए वो सो ही नहीं सके। पीटर एंड हिज वाइफ केप्ट गेटिंग अप टू लुक एट द ट्रेजर दे हैड हिडन इन एन ओल्ड गॉबलेट। पीटर और उसकी वाइफ लगातार रात में उस खजाने को चेक कर रहे थे जो कि उन्होंने एक पुराने से गॉबलेट में छिपा रखा था। गॉबलेट क्या होता है, एक प्याला टाइप का कह दीजिए, कटोरा जिसका जो माउथ होता है वो काफी छोटा होता है ठीक है, और नीचे उसमें सामान आप कुछ भी रख सकते हैं, गॉबलेट प्याला है या कटोरा है ठीक है, छोटे मुंह वाला कटोरा, उसको गॉबलेट बोलते हैं। तो पीटर और उसकी वाइफ लगातार उस खजाने को जो कि उन्होंने गॉबलेट में छिपा रखा था, उसको लगातार वो बेचारे बार बार देखते रह गए पूरी रात। The next day Peter went back to work, but before leaving he said to his wife, "Don't tell anyone about what happened yesterday." अगले दिन जब पीटर अपने काम के लिए निकला, तो जाने से पहले उसने अपनी वाइफ से क्या बोला कि किसी को मत बताना कि कल क्या हुआ था। No one must know about the treasure we found. किसी को नहीं पता होना चाहिए कि हमें कौन सा खजाना मिला है। Every day before leaving for work he repeated the same instruction to his wife. प्रत्येक दिन अपने काम से जाने के पहले वो इसी बात को, सेम इंस्ट्रक्शन को बार बार अपनी वाइफ से कहता था कि डोंट टेल एनीवन अबाउट व्हाट हैपेंड दैट डे, उस दिन क्या हुआ, हमें जो चीज खजाना मिला इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। लेकिन हाउ एवर द इंटायर विलेज हैड हर्ड अबाउट द ट्रीजर इन नो टाइम एंड द बैडन टू केम टू नो अबाउट इट। बट बहुत ही जल्दी, हालांकि क्या हुआ, बहुत ही जल्दी लोगों को, बहुत ही कम समय में उस खजाने के बारे में लोगों को पता चल गया, और उस बैरन का भी पता चल गया, वो जो लैंड ओनर था उसको भी, बैरन को भी पता चल गया कि क्या हुआ। अब क्या हुआ, पीटर एंड हिज वाइफ वर कॉल्ड बाय द बैरन ऑफ क्वेश्चनिंग। अब उसको पूछताछ के लिए पीटर और उसकी वाइफ को बुलाया गया, बैरन के द्वारा उन लोगों को बुलाया गया। When they were brought before him, Peter tried to hide behind his wife. जैसे वो दोनों उनके सामने आए, बैरन के सामने आए ठीक है, वो जो पीटर था वो अपनी वाइफ के पीछे छिप गया, उसने अपनी वाइफ के पीछे छिपने की कोशिश किया। द बैरन क्वेश्चन्ड हर फर्स्ट, पहले उसने अपनी वाइफ से, उसकी वाइफ से पूछा, होपिंग टू गेट द ट्रूथ आउट, उम्मीद करता हूं कि जो तुम्हारा जो सच है वो बाहर आएगा, उस उम्मीद के साथ उसने उससे क्वेश्चन किया। आई हैव हर्ड दैट यू एंड योर हस्बैंड हैव फाउंड वंडरफुल थिंग्स इन द फॉरेस्ट, टेल मी अबाउट इट। मैंने सुना है तुमको और तुम्हारे पति को जंगल में बहुत ही अच्छी अच्छी वंडरफुल थिंग्स मिली हैं, मुझे उसके बारे में बताओ। पीटर्स वाइफ कुड नॉट कीप इट अ सीक्रेट एनी लॉन्गर। जैसे कि हमें पता है कि पीटर की जो वाइफ थी वो बहुत देर तक सीक्रेट्स को बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकती थी छुपा के, तो उसने क्या किया, शी स्पोक फर्स्ट ऑफ डोनट्स, उसने पहले डोनट्स के बारे में बताया, देन ऑफ द फिश इन द ग्रास, एंड द लास्टली ऑफ द रैबिट इन द रिवर। उसने पहले डोनट के बारे में बताया कि डोनट उसको कैसे ट्री में मिले, फिर उसने बताया फिश के बारे में कि कैसे उसको जमीन पे ग्रास पे फिश मिली, और उसने कैसे पानी में उसको, नदी में उसको रैबिट मिला। मीनवाइल बिहाइंड हर पीटर केप्ट टैपिंग हिज फोरहेड विथ हिज फिंगर्स एंड मेकिंग साइन टू द बैरन दैट हिज वाइफ वॉज गोइंग मैड। इसी बीच में जो उसके पत्नी के पीछे खड़ा था, कौन खड़ा था, पीटर, वो अपनी उंगलियों से अपने फोरहेड पे
टैप कर रहा था और टैप करके अपनी उंगलियों से बैरन को एक इशारा बना रहा था, एक इशारा दे रहा था। क्या इशारा दे रहा था? कि उसकी जो वाइफ है बिल्कुल पागल हो गई है। वो पीछे से अपनी सर पे ऐसे इशारा कर रहा है, ऐसे अपने राउंड कर रहा है कि मेरी वाइफ पागल हो गई है। वो इशारों से इस बात को बैरन को बता रहा था। द बैरन बिगेन लुकिंग एट द वुमेन विथ पिटी। काफी दया से अब उसने उस औरत को देखा, मतलब जो मालिक था, ओनर था, बैरन था, उसने अब उसने उस औरत को बहुत दया के साथ देखना शुरू कर दिया। उसको लगा ये तो पागल हो गई, कुछ भी बोल रही है, डोनट कटरी कैसे होता है, ग्रास में फिश कैसे मिल सकती है, ठीक है, ग्रास में तो रैबिट मिलना चाहिए और रिवर में रैबिट कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो वो समझ गया कि ये वो पीटर की बात पर उसको यकीन हो गया कि ये पागल हो गई, और वो बहुत ही दया के साथ पिटी, मतलब दया के साथ उसको देखना उसने शुरू कर दिया। एंड देन आई एम श्योर यू फाउंड अ ट्रेजर टू, सेड द बैरन इन द लाइट हार्टेड मैनर। फिर उसने काफी नरम आवाज में, नरम स्वभाव में उसने बोला कि हाँ तुम्हें अब जरूर कोई खजाना भी मिल गया होगा। दैट्स राइट सर, द वुमन सेड। औरत ने बोला हाँ जी सर बिल्कुल। बैरन टर्न टू पीटर एंड टैपिंग हिज फिंगर ऑन हिज फोरहेड एंड विस्पर्ड, आई सी वॉट यू मीन, अनफॉर्चुनेटली आई हैव द सेम प्रॉब्लम विथ माई वाइफ। अब बैरन ने पीटर के पास गया, उसको उसने मतलब उसकी तरफ मुड़ा और उसने क्या बोला, मतलब अब बैरन ने भी अपनी उंगलियों के अपने फोरहेड पे लगाया और इशारा किया धीमे से, कहा कि हाँ मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब था। दुर्भाग्य से मेरी भी यही समस्या, मेरी पत्नी के साथ भी मेरी यही समस्या है कि वो भी पागल है, ठीक है, बैरन ने ये बताया। पीटर एंड हिज वाइफ वर सेंट होम एंड नो वन बिलीव्ड देयर स्टोरी। पीटर ने और उसकी वाइफ को घर भेज दिया गया और किसी ने उनकी स्टोरी पे, कहानी पे यकीन नहीं किया। एंड सो द क्लेवर फार्मर डिड नॉट गो टू जेल। और इस तरह जो चालाक किसान था वो जेल जाने से बच गया, वो जेल नहीं गया। एंड ही यूज्ड द ट्रीजर वाइसली एंड लिव्ड अ कंफर्टेबल लाइफ एवर आफ्टर। उसके बाद उसने उस खजाने को बहुत ही स्मार्टली अच्छे से उसका इस्तेमाल किया और बहुत ही उसके बाद बहुत ही अच्छा, हमेशा के लिए एक अच्छी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ उन्होंने जी, ठीक है। तो किस तरह पीटर ने अपना दिमाग लगाया, ठीक है, उस फार्मर ने कितना क्लेवर था कि उसने, उसको पता था कि उसकी वाइफ बेकूफ है, ठीक है, वो सीक्रेट्स को नहीं रख सकती, तो उसने एक फेक स्टोरी डोनट की, फिश की, ग्रास की, उसने उसको ऐसा किया, प्रिटेंड किया, और उसकी वाइफ क्योंकि फूल थी तो उस पर उसने बिलीव कर लिया। और जब फाइनली स्टोरी बैरन के सामने आई, सबके सामने, तो किसी ने उनकी स्टोरी पर यकीन नहीं किया और वो सारा गोल्ड उसको, पीटर को और उसकी वाइफ को मिल गया और दोनों बहुत ही हैप्पली आगे लाइफ उन्होंने स्पेंड करी। तो आई होप आपको ये चैप्टर द क्लेवर फार्मर समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू फ्रेश चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।